गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय लेक्चर केमिस्ट्री विद आशीष अरोड़ा। टुडे हम एक चैप्टर नया देखने वाले हैं, वो है चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम योर सिलेबस एंड दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ ऑल ऑफ अस वी नो, ओके, कैन यू टेल मी दोस थिंग, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर डू यू? 5 स्टेट्स ऑफ, कैन टेल मी दोस नेम्स ऑफ दो स्टेट्स ऑफ मैटर? ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन प्लाज्मा, Bose-Einstein condensates. हमारे सिलेबस में 11, 12 में डेफिनेटली वी डोंट नीड टू स्टडी अबाउट प्लाज्मा एंड Bose-Einstein. अभी बच गए 3, एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस को अभी डील करेंगे 11 स्टैंडर्ड में, राइट नाउ वही चैप्टर हम डील करने वाले। ओके, सॉलिड एंड लिक्विड डिटेल में देखेंगे 12 स्टैंडर्ड में, थोड़ा बहुत लिक्विड ये चैप्टर में भी देखने वाले, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। एंड थोड़ा बहुत हमने देख लिया चैप्टर 1 के अंदर, जब मोलारिटी, फॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी कर रखी थी, वो भी लिक्विड के ऊपर ही थी। एनीवे, आज हमारे चैप्टर के अंदर क्या है, गैसियस स्टेट के बारे में बात करने वाले। ओके, नाउ गैसियस स्टेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जरा समझते हैं। व्हेन द आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, they attract each other with a very weak force of attraction. When the molecular forces of attraction between the particles of a matter are minimum, when the force of attraction is minimum, and the particles exist in a state known as gaseous state, or this state of matter where the molecules are far away from each other and they are free to move. Ye molecules, they are free to move. Ye pure container ke andar ghumte rehte, sab molecules. In available space, they are called gaseous state. If we see the important properties of any gas, so pehli important property, they do not have any definite shapes or volume. Jaise ki agar hum kisi balloon ke andar air ko hum bhar dete, if we fill in the air over here, then the air acquires the shape of balloon and the size of balloon. अगर आप ये बलून को रिलीज करते हो तो एयर बाहर निकलेगी, एंड अगर आपने उसको रूम के अंदर रिलीज किया, देन एयर एक्वायर्स द साइज ऑफ रूम एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट। सो दे कैन ऑक्यूपाई होल स्पेस ओपन टू देम, दे डू नॉट हैव एनी डिफाइनाइट शेप्स, दे डू नॉट हैव एनी वॉल्यूम। ओके, सॉलिड गैस, सॉलिड और लिक्विड का ऐसा नहीं है। ओके, आई डू हैव दिस पेन विद मी, अगर मैं उसको बाल्टी में डालता हूं तो भी वो यही शेप रहता है, हाथ में पकड़ता हो तो भी वही शेप रहता है। ओके, सो सॉलिड गैसेस डू नॉट हैव डिफाइनेट वॉल्यूम, डिफाइनेट साइज। लिक्विड का थोड़ा अलग है, लिक्विड हैव डिफाइनेट वॉल्यूम, नॉट डिफाइनेट। अगर आपके पास एक कंटेनर ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी भरा शेप का, जमीन पे गिरा देता हो, इट एक्वायर्स द शेप ऑफ फ्लोर। आप उसको हाथ में पकड़ने की कोशिश करो, नहीं नहीं इट डजंट शेप, बट इट्स फिक्स वॉल्यूम। ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पास 500 मिलीलीटर की बोतल, बाल्टी खाली, पूरी बाल्टी, वॉल्यूम 500 ही रहता है। वॉल्यूम कितना रहता है? 500। लिक्विड हैज डिफाइनाइट वॉल्यूम, नॉट डिफाइनाइट शेप। सॉलिड्स हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम एज वेल एज डिफाइनाइट शेप, बट गैस इधर डिफाइनाइट शेप नो डिफाइनाइट वॉल्यूम, दे ऑक्यूपाई एवरीथिंग। They are high compressible. अगर आप उसको दबाते हो, ये बलून, you know, if you press it from everywhere, it gets compressed. They are compressible. They have very low densities because of negligible intermolecular forces. ये जो molecules रहते हैं, इनके बीच में intermolecular forces of attraction काफी कम है. Since intermolecular force of attraction कम है, density काफी low है. Let me show it to you over here. सी ओवर हियर, सपोज हमारे पास एक ही कंटेनर है, बराबर है कि नहीं? और अगर हम गैस की बात करते हैं, गैस में क्या रहता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, इसलिए उसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। बट उसकी जगह पे ये सॉलिड होता ना, तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे के काफी नजदीक होते, एंड सिंस नजदीक होते then you can see यहां पे density बढ़ गई। If force of attraction is more, then the density is more.
बट उसका अलग होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, जैसे कि ये पहले केस में है, तो दूर दूर है, डेंसिटी इज लेस, गैसेस हैव लेस डेंसिटी बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, एंड लिक्विड हैज डेंसिटी इन बिटवीन बोथ ऑफ दिस बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज लाइक मेटल और द सॉलिड एंड दे आर नॉट सो वीक एज लाइक गैसेस. ओके विल कंटिन्यू पता. दे डिफ्यूज, अच्छा उससे पहले एक पॉइंट छोड़ दिया मैंने, गैसेस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर विथ परफेक्ट इलास्टिक कलिजंस. वो ये बताते हैं कि जब आपके पास गैसेस है यहाँ पे, वो कंटिन्यूस मूवमेंट करते, ये गैसेस कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एंड वेन दे मूव एक्चुअली दे आर गोइंग टू हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर, एंड वेन इट हिट्स द वॉल ऑफ कंटेनर, वो ऐसे जब हीट करता है तो ये एरिया में प्रेशर एग्जर्ट करता है. ओके एंड ऐसा बोला जाता है ये इलास्टिक है, ये जब इसका ये हीट करता है तो बोलते इलास्टिसिटी की वजह से वो थोड़ा छोटा दबेगा एंड देन इट मूव्स एंड अगेन एक्सपेंड हो जाएगा. इट्स एन इलास्टिक मूवमेंट, इट इज एन इलास्टिक मूवमेंट लाइक दिस. वो जब हिट करता है तो इलास्टिक मूवमेंट, ऐसा बोलते हैं. It's not actually correct. हम आगे चैप्टर जब आएगा तब देखेंगे. But this is the thing. They diffuse rapidly through each other to form a homogeneous mixture. वो काफी rapidly move करते. हम सबको पता, हम सबने experience किया. अगर किसी room के अंदर अगर आप छोटा सा एक smoke जाएंगे, धूप जला देते हो, तो वो smoke already ये room के अंदर gas है, air है, transparent है. जैसे ही आप स्मोक जलाते हो, विच इज ऑलमोस्ट आई थिंक मिल्की, लाइट मिल्की कलर, इट स्प्रेड्स थ्रू एयर और इक्वल वो मिक्सचर हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा. इट डिफ्यूजिस, डिफ्यूजन ऑफ गैस का मतलब ये होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में से लेस कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की ओर उसका मूवमेंट होना. जहां पे धूप निकल रही है वो जगह पे काफी सारा वो स्मोक निकल रहा है, काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, वो पूरे रूम में स्प्रेड होता है, वो पूरे रूम में स्प्रेड होता है. बराबर है कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस? तो दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. फिर हम कंटिन्यू करेंगे. देयर आर बेसिकल सर्टेन पैरामीटर्स. ये चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ाई करेंगे गैस के अंदर, तो हमें थोड़े से ऐसे पैरामीटर्स होना चाहिए जिसके बेस पे हम कंपेरिजन करें उसकी प्रॉपर्टीज. तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हम देखने वाले? तो भाई चार पैरामीटर्स है. कौन कौन से? मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर. जब हम बात करेंगे कि भाई गैस का मास कितना चेंज हो रहा है, या तो कितना बढ़ रहा है या तो कितना कम हो रहा है, हम बात करेंगे उसका वॉल्यूम में क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसके प्रेशर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, और उसके टेम्परेचर में, उसके बेस पे हम हमेशा ये चैप्टर में डील करने वाले हैं. चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ गैस यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं. ओके जब मास की मैं बात करूँ तो मास का मतलब क्या होता है? तो मास ऑफ गैस इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम. हम ये चैप्टर के अंदर स्मॉल एम से उसको डिनोट करने वाले हैं. विच इज रिलेटेड टू द मोल्स. कितने मोल्स आपने गैस के ले रखे हैं? हम लोगों ने आगे चैप्टर वन के अंदर सीखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और अदर वे मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास. ओके आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देन वॉल्यूम की बात करेंगे. वॉल्यूम क्या रहेगा? एज आई वाज जस्ट नाउ एक्सप्लेनिंग टू यू, गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस अवेलेबल टू देम. गैसेस क्या करते हैं? उसके पास जितना भी स्पेस अवेलेबल है उन सबको वो ऑक्यूपाई करने वाले. द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस इज सिंपली द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. आप जो भी कंटेनर के अंदर गैस को भरेगे, गैस इज गोइंग टू ऑक्यूपाई दैट वॉल्यूम. तो अगर जब भी हम वॉल्यूम ऑफ गैस बात करते हैं, एक्चुअली हम वॉल्यूम ऑफ गैस की बात नहीं करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की बात करेंगे. क्योंकि जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही गैस का वॉल्यूम होने वाला है, छोटा या बड़ा, बिकॉज गैस इज गोइंग टू चेंज इट्स वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द शेप, साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. जब भी वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करते हैं, हम हमेशा क्या बात करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ओके नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डिनोटेड बाई कैपिटल बी एंड इट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ, समटाइम्स मेजर करेंगे लीटर के अंदर, समटाइम्स मेजर करेंगे क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब के अंदर, समटाइम मेजर करेंगे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर और डेसीमीटर क्यूब के अंदर, और क्या करेंगे?
डेसीमीटर क्यूब। एक चीज याद रखना, काफी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। हम जितने भी न्यूमेरिकल करने वाले हमें ये पता होना चाहिए क्या है इसके अंदर। याद रखना 1 लीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू ऑलवेज 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इन शॉर्ट, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, और 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 मिलीलीटर, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर, क्योंकि दोनों इक्वल है। सेंटीमीटर क्यूब एंड मिलीलीटर इक्वल है, डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर इक्वल है, बराबर है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझ में आ रहा है? ग्रेट, विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट वन। प्रेशर, प्रेशर की बात करते, प्रेशर में ऐसा होने वाला है यहां पे। प्रेशर के लिए मैं एक काम कर लेता हूं, इट इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था थोड़े टाइम पहले कि जब यहां पे एक कंटेनर है आपके पास और उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। व्हेन इज गोइंग टू हिट दिस वॉल ऑफ द कंटेनर इज गोइंग टू प्रोड्यूस, याद रखना ये 3 डायमेंशन में होता है। मैं 2D ड्रॉ कर रहा हूं लेकिन ये होता कितना 3 डायमेंशन में। तो इसके पर स्क्वायर यूनिट एरिया के अंदर कितना फोर्स लग रहा है? एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर दैट। ओके, क्वेश्चन ये है कि पर यूनिट स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट एरिया जो है आपके पास उसके पर कितना फोर्स लग रहा है? इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ए कन्फाइंड गैस एग्जर्ट्स यूनिफॉर्म प्रेशर। कन्फाइंड गैस का मतलब ये हो गया कि एक कंटेनर के अंदर बंद किया गया गैस को हम क्या बोलते हैं? कन्फाइंड गैस। वो याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि ये दीवार पे उसका जो फोर्स है या तो प्रेशर है वो अलग होगा और इस तरफ अलग होगा, नहीं। चारों ओर हर एक कंटेनर की हर एक वॉल पे वो चारों ओर इक्वल फोर्स प्रोड्यूस करता है, एंड दैट मीन्स इट produces equal pressure on all direction. It produces equal pressure in all direction. It is denoted by P and normally it is measured in Pascal. Pascal के अंदर measure करते हैं। उसके दूसरे unit जो है वो atmosphere है, centimeter mercury है, millimeter mercury है, newton meter square है, bar है, torsion है। Let me explain you. Okay, at least दिन में आपको समझाता हूँ इसके अंदर। नॉर्मली हमें एटमॉस्फेयर और बार के बारे में पता है। ओके, मैं आपको ये मिलीमीटर मर्क्यूरी या तो सेंटीमीटर मर्क्यूरी क्या है वो समझाता हूँ। उसके लिए नॉर्मली ऐसा होता है, सपोज मेरे पास यहां पे एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरा हुआ है, और आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे ये गैस भरा हुआ है या तो कोई दूसरा लिक्विड भी है। अभी ये क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर के लिए आई हैव टू पुट ए सिलेंडर, सिलेंडर है ये, पिस्टन डालना जरूरी है इसके पर। ऐसा एक मिनट देना प्लीज मुझे।
यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रेशर लग रहा है ऊपर एटमॉस्फेयर का, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और अभी जरा मैं आपको यह चीज बताता हूं जो मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखा है, यहां पे मर्क्यूरी फिलअप किया जाता है। क्या किया जाता है? और ये बंद होता है यहां से। ओके, होगा क्या कि इस तरफ भी प्रेशर प्रोड्यूस होता है, इस तरफ जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो, एक ही मिनट देना प्लीज, इन दोनों की हाइट की डिफरेंस से प्रोड्यूस होता है। ये मर्क्यूरी भरा हुआ, ये क्या भरा हुआ? मर्क्यूरी। अगर यहां पे जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, अगर हम ये प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वो क्या होगा, ये प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे तब ये नीचे आएगा। जब अगर आप उसके ऊपर प्रेशर दे तो ये क्या आएगा, नीचे। तो इसके ऊपर भी प्रेशर प्रोड्यूस होता है और ये ऊपर जाता है। ये कहां पे जाएगा? ऊपर। और जैसे ही आप प्रेशर को एडजस्ट करते हो वो थोड़ा नीचे आके ऐसे नीचे आके सेटल हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है, और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन एक जगह पे आके वो सेटल हो जाता है। यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर जब इक्वल होता है ना तब ये सेटल हो जाएगा। अगर आप प्रेशर रिड्यूस करोगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, बट दोनों एक जगह पे आके सेटल हो जाते हैं। कब सेटल होते हैं मालूम है? प्रेशर एग्जर्टेड बाय दिस हाइट एंड प्रेशर अप्लाइड ओवर हियर, जब दोनों इक्वल बन जाते हैं तब वो सेटल होते हैं। तब वो क्या होते हैं? सेटल होते हैं। तब दोनों वो एक जगह पे इक्वल रहेंगे। ओके, नाउ सेटल होने का मतलब क्या, स्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद फिर ऊपर नीचे होना बंद हो जाता है। सपोज हमने यहां पे 1 atmosphere प्रेशर लगाया, कितना लगाया? 1 atmosphere। तो उस टाइम पे यहां पे मर्क्यूरी की हाइट कितनी है वो मेजर की गई, और उन्होंने जब मर्क्यूरी की हाइट मेजर की तो उनको मिल रहा है 76 centimeters ऑफ मर्क्यूरी। कितना मिल रहा है? ओके, और इस ये जो मैंने गैजेट यहां पे बनाया हुआ है उसको बोलते हैं मैनोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? मैनोमीटर, विच एक्चुअली वो प्रेशर को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? अगर आप यहां पे प्रेशर को वेरी करोगे, बढ़ाओगे या कम करोगे, उसके हिसाब से इसकी हाइट भी कम या ज्यादा होती है। अगर ज्यादा करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी, एंड यू कैन फाइंड आउट कितना सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, कितना सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। कम करोगे तो ये ऊपर जाएगा और इसकी हाइट कम हो जाएगी, एंड यू कैन फाइंड आउट कि कितना सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। तो ये भी एक तरीका है प्रेशर मेजर करने का। और प्रेशर को किस में मेजर करते हो? हाइट ऑफ मर्क्यूरी। और हमने जब यहां पे मेरी नोट्स में देखा तो नोट्स में ये दे रखा है कि इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर मर्क्यूरी। इट इज मेजर्ड इन व्हाट? सेंटीमीटर मर्क्यूरी। इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। न्यूटन मीटर स्क्वायर में भी करते हैं, बार में भी करते हैं, टेरोजन में भी करते हैं। और हमें यहां पर बताया गया है कि अगर 1 atmosphere है देन 76 centimeters ऑफ मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी को सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हो कितना हो जाएगा? 760 millimeters ऑफ मर्क्यूरी। उन्होंने ये प्रेशर को मेजर किया तो 1 atmosphere इक्वल्स टू 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू पास्कल। ऑल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल। एंड अगर 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 1 bar होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1.013 bar। मतलब 1 atmosphere इक्वल्स टू 76 centimeters ऑफ मर्क्यूरी, 760 millimeters ऑफ मर्क्यूरी, या तो 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो 1.013 × 10⁵ पास्कल, या तो 1.013 bar, एंड 1 atmosphere इज ऑल्सो इक्वल्स टू 760 teres। ये याद रखना है, इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है। ओके, बराबर है कि नहीं? सो आफ्टर गोइंग फॉर दैट यूनिट पार्ट, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। प्रेशर को हम फोर्स अपॉन एरिया के फॉर्म में भी मेजर करते हैं, एंड फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, एज आई वाज टॉकिंग टू यू,
कि जब भी यहाँ पे अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं एंड सिंस दे आर मूविंग तो उसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी एंड इज गोइंग टू हिट द वॉल ऑफ कंटेनर इज गोइंग टू हिट. सो प्रेशर इज बेसिकली रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू बी रिलेटेड विद दैट. देन विल कंटिन्यू फर्दर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. देन द फोर्थ पैरामीटर विच वी नीड टू नो इज टेम्परेचर. फोर्थ पैरामीटर विच वी नीड टू नो इज टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी एंड इट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ केल्विन. टेम्परेचर हमेशा किसमें मेजर करने वालों केल्विन में. ओके, दूसरे यूनिट उसके डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फेरेनहाइट है. एंड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको दे रखी है. ओके, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री सेल्सियस. अगर डिग्री सेल्सियस एक्स है एंड फेरेनहाइट वाई है तो उसके बीच में ये रिलेशनशिप है. ओके, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल्स टू डिग्री फेरेनहाइट माइनस 32 बाई 9. ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो हमें यूज करनी है, बराबर के नहीं. तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर.